गुरु जी की रिसर्च इतनी जबरदस्त थी, उसका एक और उदाहरण हमें मिलता है कि उन्होंने कितने साइंटिफिक तरीके से फॉर्मूलोज को बनाया है। किडनी के फंक्शन को हम पढ़ रहे हैं, किडनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किडनी का तीसरा फंक्शन है कि किडनी एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, किडनी एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन क्या काम करता है और क्यों उपयोगी है? हमारा ब्लड कहाँ फिल्टर होने के लिए जाता है? किडनी के पास फिल्टर होने के लिए जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक छन्नी ली और दूध है, जैसे दूधिया आता है जो भैंस का दूध काढ़ कर निकाल कर लेकर आता है, तो उसमें कई बार भूसे के भी दाने वगैरह होते हैं, है ना। अब ये छन्नी है, इस छन्नी के ये छन्नी है, अगर मैं यहाँ से इसे डालूँ, इसे छानूँ, तो यहाँ पर कूड़ा ऊपर रुकने की ज़्यादा चांसेस है। और इसी भगोने को मैं इतना ऊपर ले लूँ और मैं यहाँ से दूध को छानूँ, तो बहुत ये उम्मीद है कि इस प्रेशर से मेरे कचरा नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं यहां से छानूं तो कचरा नीचे भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। और मैं यहीं से दूध को छानूं तो कचरा नीचे जाने के चांसेस कम से कम है, क्योंकि उसका प्रेशर कम है। अल्टीमेटली क्या हुआ, दूध भी वही है, पतीला भी वही है, छन्नी भी वही है, केवल प्रेशर का फर्क है, है ना। प्रेशर का फर्क है, अगर मैं यहां से डाल रहा हूं तो प्रेशर कम होगा दूध के छानने का, अगर मैं यहां से ऊपर से उड़ेल रहा हूं तो प्रेशर ज्यादा होगा दूध का। तो इस प्रेशर से क्या है कि दूध तो जाएगा ही जाएगा, नीचे कचरा भी जा सकता है, जा सकता है। तो बस इसी प्रेशर के साथ हमारी किडनी भी काम करती है। मैंने आपको बताया था कि किडनी का काम है आपके कचड़े को बाहर निकालना, है ना। और यह प्रेशर एक प्रेशर भी इंडिकेट है कि इतना प्रेशर तो हमारे ब्लड का होना ही चाहिए जिससे कि किडनी हमारे उस टॉक्सिन्स को बाहर निकाले। अब ब्लड एक तेजी से आता है, इस तरीके से तेजी से आता है और छानता है, तो इस तेजी से जो आएगा तो कचरा नीचे ही जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे साथ उल्टा होता है किडनी में, कि कुछ अच्छी चीजें भी नीचे चली जाती हैं, जैसा मैंने किडनी के फंक्शन में बताया था कि इस प्रेशर की वजह से कचरा तो जाएगा ही जाएगा और 100% जाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ चीजें अच्छी भी चली जाती हैं। तो वो अच्छी चीजों को रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमने पढ़ा था कि हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इतना लंबा है कि वहां से उसकी लेयर उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है, कि गलती से उस प्रेशर की वजह से कुछ चली गई। अगर ये ब्लड प्रेशर ऐसे जाता तो क्या होता, तो कचरा ऊपर ही रह जाता, वो कचरा नीचे ही नहीं आता, है ना। तो किडनी के पास में, किडनी ने एक का एक कहावत कही, एक बात कही शरीर को कि मुझे, अगर आप ये चाहते कि मैं कचरा ज्यादा से ज्यादा निकालूं तो मुझे प्रेशर अच्छा चाहिए, उस अच्छे प्रेशर से तो मैं कचरे को बाहर निकाल पाऊंगी, किडनी ने कहा। अब शरीर क्या हुआ, अचानक से मेरा बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया यानी कि ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर ही है, यानी कि प्रेशर लो हो गया। अब ये लो वाला प्रेशर मेरे किडनी के पास पहुंचा तो किडनी ने देखा या तो इसका प्रेशर कम है तो कचरा क्या है ऊपर ही जमा होने लग जाएगा। अब किडनी के पास तो एक क्षमता है कि भाई मैं ज्यादा कचरा अपने पास नहीं रख सकती, तो किडनी उस समय पर क्या करती है, यानी कि ये कब बनेगा रेनिन, जब किडनी के अंदर जो ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर डाउन होगा, ऐसे नहीं कभी भी बन जाएगा। अब ये प्रेशर 2-3 बजे से हो सकता है, भाई मुझे चोट लगी, मेरा ब्लड बाहर निकल गया तो प्रेशर कम हो गया, ब्लड कम, ब्लड ज्यादा निकल गया तो ब्लड का प्रेशर कम हो गया, मैं अचानक से बेहोश हो गया, मेरे को मेरा बीपी लो हो गया, अचानक से हुआ, अचानक से हुआ, तो उस कंडीशन में किडनी के पास जो ब्लड फिल्टर होने के लिए जाता है, किडनी कहती है ये तो कचरा जमा हो रहा है, ये तो प्रेशर इसका कम है, उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए किडनी अपने अंदर से एंजाइम प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है रेनिन। ठीक है, ये रेनिन है। जैसे ही किडनी इस रेनिन को प्रोड्यूस करती है, और किडनी इससे पहले लीवर को बता देती है, क्योंकि लीवर हमारा बॉस है, मैंने आपको बताया था गेट कीपर है, तो किडनी से कहती है, लीवर से कहती है कि मैं रेनिन को प्रोड्यूस करने जा रही हूं, आप अपने पास में से एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज कर दो। किसको कर दो, एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज कर दो। ये एंजियोटेंसिनोजन क्या है इसकी कहानी बताऊंगा, लीवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है एंजियोटेंसिनोजन लीवर से निकलता है, उसने लीवर को, किडनी ने पहले ही लीवर को बता दिया कि भाई मैं रेनिन निकालने वाली हूं क्योंकि ब्लड प्रेशर डाउन है, तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन निकलता है। ये एंजियोटेंसिनोजन कहां पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है, किडनी के पास पहुंचता है। जैसे ही लीवर से निकलने वाला एंजियोटेंसिनोजन किडनी के पास पहुंचता है, किडनी ने पहले से क्या निकाला हुआ है, रेनिन। यह रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है।
कौन कर देता है? रेनिन। किडनी से निकलने वाला एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है किसको? एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि लीवर से निकलता है। ठीक है, अब इसको निकालकर किडनी क्या करती है, रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को ब्लड के अंदर छोड़ देता है और लंग्स को बोल देता है मैं एंजियोटेंसिन नंबर 1 को आपके पास भेज रही हूं। किसको भेज रही हूं? लंग्स के पास में भेजती है किडनी एंजियोटेंसिन नंबर 1 को और लंग्स को कह देती है कि मैं एंजियोटेंसिन नंबर 1 को आपके पास भेज रही हूं। लंग्स कहता है ठीक है भेज दो। तो लंग्स का जो ऊपरी भाग, हमने लंग्स का चैप्टर पढ़ा कि लंग्स के अपेक्स में एक एंजाइम बनता है जिसको हम एसीई बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये लंग्स के अपेक्स भाग में बनने वाला एसीई एंजाइम इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता है, कौन करता है? इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कौन करता है? लंग्स करता है। ये लंग्स का पॉइंट है, LU जो हमने लिखा है, लंग्स का पॉइंट है। ठीक है, लंग्स क्या करता है, इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन नंबर 2 बनता है, ये पागल हो जाता है। एंजियोटेंसिन नंबर 2 तुरंत क्या करता है, सारे के सारे ब्लड, इसको ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है। श्रिंक कर देता है, श्रिंक कर देता है मतलब कि उसको दबा देता है। अब दबा देता है मतलब क्या हुआ कि ये एक पाइप था, इस पाइप में से जिसमें से हम दूध को फिल्टर कर रहे थे, यानी कि इस पाइप से दूध निकल रहा है ना, इस पाइप से दूध निकल रहा है और ये छन्नी के लिए ऐसे जा रहा था, तो अभी तक तो ये ऐसे जा रहा था धीरे धीरे। अगर मैं इस पाइप को पिचका दूं, श्रिंक कर दूं, तो स्वाभाविक है कि इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ब्लड तो बढ़ा नहीं सकता, ब्लड एक दिन में, एक सेकंड में तो नहीं बनेगा, ब्लड के बनने में तो 7 दिन का समय लगेगा, जो मैंने कल आपको बताया था कि ब्लड के बनने में 7 दिन का समय लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लड को तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ब्लड जिस रास्ते से गुजर रहा है उस रास्ते को पिचका दो तो ब्लड का प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, पाइप में से पानी निकल रहा है तो अगर हमें पानी और आगे भेजना है, पानी का प्रेशर उतना ही है तो हम पाइप को पिचका देते हैं, पानी आगे पहुंच जाता है। हमने क्या करा, अल्टीमेटली उस पाइप को पिचका कर पानी का प्रेशर बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो ऐसे ही ये एंजियोटेंसिन नंबर 2 इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि ये ब्लड आर्टरीज को श्रिंक कर देता है, ब्लड आर्टरीज को श्रिंक कर देता है। किडनी के पास कौन सी आर्टरी जाती है? रिनल आर्टरी जाती है, रिनल आर्टरी जाती है किडनी के पास, रिनल आर्टरी जाती है, निकलती क्या है? रिनल वेन। तो ये वेन का प्रेशर नहीं बढ़ाता, ये किसका प्रेशर बढ़ाता है? आर्टरीज का प्रेशर बढ़ाता है। ये भी ध्यान से सुनना, ये आर्टरीज का प्रेशर बढ़ाता है, ये वेन्स का प्रेशर नहीं बढ़ाता। अगर वेन्स का प्रेशर बढ़ा देता तो क्या होता कि वेन कहां जाती है? इंफीरियर वेना कावा में जाती। भाई रिनल वेन का प्रेशर ये बढ़ा देता तो रिनल वेन तो पहले किडनी से होकर ही गुजरी है, उसका प्रेशर क्या करते, ये किडनी क्या करती है उस प्रेशर का, जो किडनी से बाहर निकल गया ब्लड, उस प्रेशर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें तो उस ब्लड का प्रेशर बढ़ाना है जो किडनी की तरफ जा रहा है। भाई किडनी को तो ब्लड प्रेशर चाहिए, ब्लड अच्छा प्रेशर चाहिए, तो ये किडनी की तरफ जाने वाले प्रेशर को बढ़ाता है जिसको हम कहते हैं रिनल आर्टरी। तो ये रिनल आर्टरी का प्रेशर बढ़ाता है, ना कि रिनल वेन का बढ़ाता है। मेरी बात समझ रही है? अगर ये रिनल वेन का बढ़ा देता तो रिनल वेन कहां जाती है? इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा कहां जाती है? हार्ट के पास जाती है। तो हार्ट तो इस प्रेशर को संभाल ही नहीं पाता, वो तो घबरा जाता है ना, तो इससे हार्ट पर प्रॉब्लम आ जाती है। ये नेचुरल तरीके का सिस्टम देखिए भगवान ने कितना अच्छा बनाया कि ये रिनल आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है जिससे कि किडनी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है और किडनी फिर से ठीक से फिल्टर करने लग जाती है और कचरा बाहर आ जाता है। तो ये जो हार्मोन बना, ये पूरी प्रोसेस में किसका काम था? इस रेनिन का था। तो ये रेनिन कहां से बनता है? किडनी से बनता है। किडनी एक एंजाइम बनाती है जिसका नाम रेनिन है, और ये रेनिन का काम है कि लिवर से बनने वाले एंजियोटेंसिनोजन को, ये एंजियोटेंसिनोजन कहां से बनेगा? लिवर से बनेगा। एंजियोटेंसिनोजन लिवर से बनता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को लिवर जब किडनी के पास इसको ब्लड के थ्रू भेजता है तो किडनी में इसका स्वागत कौन करता है? रेनिन करता है, और रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देता है, है ना। तो रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड में छोड़ देता है, और लिवर को बोल, लंग्स को बोल देता है कि हम एंजियोटेंसिन नंबर 1 को भेज रहे हैं, इसका ध्यान रखना।
तो लंग्स के पास जैसे ही एंजियोटेंसिन नंबर बन जाता है, लिवर लंग्स के अपेक्स भाग में कन्वर्टिंग एंजाइम है जो इसे एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट होता है, जैसे ही बच्चे की गर्मी की छुट्टी पड़ती है, वो तो पागल हो जाता है, कभी मैं नानी के घर जाऊंगा, कभी यहां जाऊंगा, मैं तो घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, तो पूरे शरीर में तहलका सा मचा देता है और वो रीनल आर्टरी के पाइप को श्रिंक कर देता है। और जैसे ही रीनल आर्टरी का पाइप श्रिंक होता है, किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर किडनी अपने फिल्ट्रेशन का काम अच्छी तरीके से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू कर देती है। अब ये तो साइंस मैंने आपको बताई, इसका गिरोधारी ने कैसे इस्तेमाल करा, गुरुजी ने एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम था एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला, एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला क्या था, 7 लिवर, 7 म्यूकस 0 और 6 लंग्स प्लस शोल्डर, ये हमारा फॉर्मूला है एंजियोटेंसिन नंबर 2 का। वैसे इसको 5 भी बोलते हैं ना, 5 म्यूकस 0 बोलते हैं इसको, 7 लिवर 5 म्यूकस 0 है ना, ये गुरु जी का बनाया फॉर्मूला। हमने लेटेस्ट इसमें और थोड़ा चीजें बदलाव करी थी, वो भी बताता हूँ कि 7 लिवर एंजियोटेंसिनोजन, ये पहुंचा किडनी के पास, किडनी से रेनिन निकला और रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन नंबर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट कर दिया, है ना, 1 में कन्वर्ट कर दिया। और ये फिर किडनी से कहां पहुंचे, लंग्स के पास, और लंग्स ने इस एंजियोटेंसिन नंबर 1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट कर दिया। और यही हमें चाहिए था, एंजियोटेंसिन नंबर 2 जैसे बना उसने रिनल आर्टरी को श्रिंक कर दिया, पिचका दिया और उसका किडनी का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। तो गुरु जी ने कितने साइंटिफिक तरीके से ये फॉर्मूला बनाया, है ना, कि 7 लिवर 5 म्यूकस 0 6 लंग शोल्डर, ये गुरु जी का बनाया हुआ एंजियोटेंसिन नंबर 2 फॉर्मूला है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड मैंने करा, मॉडिफाइड हमने क्या करा कि हमने गुरुजी की इस कहानी को समझा और गुरुजी के ही इस सेंटेंस को समझा, तो हमने कहा कि ये जो म्यूकस 0 है, ये इसमें एक ही किडनी का रोल है, है ना भाई, ये लेफ्ट किडनी है, अगर वो मान लो राइट किडनी में पहुंच जाता तो भाई राइट किडनी में भी तो जा सकता है, उसकी मर्जी है कहीं भी। तो हमने कहा कि हम क्यों रिस्क लें कि भाई हमारा फॉर्मूला 50-50 पर अटके, हम क्यों ना इसको राइट किडनी में भी कन्वर्ट कर दें, मतलब उसको भी जोड़ लें, क्या बुराई है, वो उसकी मर्जी कहीं भी जाए। तो हमने क्या करा कि और याद रहे बच्चों को हमने क्या करा कि एक सिक्वेंस चलाया, 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 और 6 लंग शोल्डर, जिससे कुछ बिगड़ नहीं सकता तो हमने सेम कर सकते हैं भाई, 7 लीवर है, 7 लीवर 0 हो गया, 7 म्यूकस 0 हो गया, 6 लंग शोल्डर हो गया। तो ये लेटेस्ट थोड़ा सा फॉर्मूला बनाया कि हमारे फॉर्मूले में कहीं कोई चूक ना हो जाए। अल्टीमेटली गुरुजी ने 7 म्यूकस 0 इसलिए भी रखा था क्योंकि म्यूकस 0 क्या है, एसिड को डाउन करता है, जिसका बीपी लो होता है उसका अल्टीमेटली बीपी जो है एसिडिक नेचर की बॉडी हो जाती है। लो बीपी का मतलब है कि बॉडी एसिडिक नेचर की, तो एसिड ही रिमूव करना है हमें एसिड भी रिमूव करना है, इसलिए गुरुजी ने केवल म्यूकस 0 को ध्यान में रखते हुए कि एसिड को डाउन करना है जिससे कि ब्लड प्रेशर ठीक हो, तो म्यूकस 0 दिया। यहां पर हमें ठीक है, हमने उसको भी ध्यान रखा कि एसिड को डाउन करना है, लेकिन हमने यह भी ध्यान करना था कि एंजियोटेंसिन नंबर 1 भाई राइट किडनी में पहुंच जाता तो क्या होता, हम एसिड तो डाउन कर रहे हैं, तो हमने रिस्क नहीं लिया, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बदलाव करा, हमने केवल एक पॉइंट ऐड कर दिया कि भाई वो अगर राइट किडनी में भी जाता है तो यहां पर हम उसे यहां से हम उसे कवर कर सकते हैं, कि फॉर्मूला वही है, केवल इसमें लेटेस्ट है कि 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 6 लंग शोल्डर, और हमने 5 की जगह 7 इसलिए भी करा क्योंकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, है ना, कि ऐसे नहीं कि 5 म्यूकस से ही रेनिन बनेगा, वो तो हमें किडनी से रेनिन बनना है, किडनी से रेनिन बनना है, तो हमने 5 की जगह 7 कर दिया और यहां पर भी 7 कर दिया। तो यहां तक तो हमें संख्या काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सेम है कि 7 7 7, बट पॉइंट ध्यान करना है, और इसके बाद 6 लंग शोल्डर है जो गुरुजी ने भी बोला है और हमने भी बोला है। तो केवल थोड़ा बहुत चेंज करके हमने मॉडिफाइड करके एक नया फॉर्मूला बनाया, और गुरुजी ने जो लेटेस्ट फॉर्मूला था वो ये था, यही काम कर रहा था, हमने थोड़ा सा और ध्यान करके इसको और 100% प्योर बना दिया। तो इस तरीके से किडनी से निकलने वाला रेनिन लो बीपी को, अचानक से हुए लो बीपी को, मेरी बात को ध्यान सुनना, लो बीपी रहता ही है तब नहीं करेगा भाई, तुम्हारी तो रोज की कंडीशन है, रोज मेरे पास आ जाते हो, तो ये तुम्हारा, तुम इसका इलाज कराओ, किडनी गएगी तुम इसका इलाज कराओ, ये तो बीमारी होगी तुम्हें रोज रोज की, है ना भाई, तुम्हारी कंडीशन अचानक से खराब हुई है, आज ही पैसे की चोरी हुई है, तो आज तो मैं मदद कर दूंगा, तुम कल फिर मदद लेने आ जाओगे,
भाई आज भी पैसे दे दो, फिर पैसे दे दो, फिर पैसे दो, वो तो क्या तुम्हारी तो आदत बन गई है। तो यानी कि किडनी ये तभी काम करेगी जब अचानक से बीपी लो होता है। बीपी लो रहता है तो ये बीमारी है, इसका इलाज तुम कहीं और कराओ, इसका इलाज नहीं करूंगी मैं। किडनी कहती है कि अगर अचानक से बीपी लो होता है तो तब मैं काम करूंगी और उसमें तुम्हारी मदद करूंगी। विद इन 2 घंटे के अंदर अंदर ये हार्मोन बन जाता है, कहते हैं 20 मिनट में बन जाता है। इसका एक्चुअल टाइम 20 मिनट का है कि 20 मिनट के बाद आपने जैसे ही ट्रीटमेंट दिया 20 मिनट के बाद ये अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप इसे 2 बार दे दें तो आधे घंटे बाद ये नॉर्मल स्थिति लेकर आ जाता है। तो ये तुरंत काम करता है, इसे 2-3 दिन नहीं चाहिए काम करने के लिए। जैसे अगर हम 8 विटामिन फॉर्मेशन दे रहे हैं तो 7 दिन बाद RBC बनेगी, ये तुरंत काम करता है और एक्चुअल में करता है। ठीक,